साल 1971 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए तैयार थी। अजीत वाडेकर की देखरेख में तैयार की गई इस टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन था। टीम में सुनील गावस्कर और सैयद किरमानी जैसे युवा थे तो दिलीप सरदेसाई और फारूक इंजीनियर समेत टीम के चार सदस्य 1962 के उस वेस्ट इंडीज टूर पर जा चुके थे जिसमें इंडिया को सीरीज 5-0 से गंवानी पड़ी थी। लेकिन इन 10 सालों में क्रिकेट की दुनिया में काफी कुछ बदल चुका था। '71 में जिस वेस्ट इंडीज टीम की कप्तानी दुनिया के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स कर रहे थे, वो बदलाव के दौर से गुजर रही थी। वेस्ट इंडीज के चोटी के खिलाड़ी अपने करियर की ढलान पर थे और तेज गेंदबाज अब उतने खतरनाक नहीं रह गए थे। फिर भी करीबियन धरती पर मिली पिछली हार की यादें भारतीय क्रिकेटर्स के जहन में ताजा थी। ऐसे कहा जाता था कि बहुत ही वहाँ बढ़िया फास्ट बॉलर्स हैं और वहाँ के क्राउड भी इतने सही नहीं है, इतना जैसे कि स्पोर्टिंग नहीं है और विकेट्स भी वहाँ के बहुत ही फास्ट होते हैं। तो इसके कारण हमने जाने के पहले हमने बहुत ही प्रैक्टिस की, जैसे हमने फास्ट बॉलिंग का मशीन